हाय फ्रेंड, मैं हूं पप्पू कुमार और आप सभी का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं एक अप्रेंटिसशिप से जो रिलेटेड एक नोटिस आया है, जो कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, आप यहां पे देख सकते हैं इंट्रीगल कोच फैक्ट्री से ये वैकेंसी निकल के आई है, जो कि अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। और इसका डेट जो जारी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4/9/2020 को, ठीक है, आज ही ये डेट रिक्वेस्ट किया गया है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रीगल कोच फैक्ट्री का जो ये आया है वैकेंसी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आज ही डेट जारी हुआ, ठीक है। और आगे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें क्या क्या कैटेगरी रखा गया है, क्वालिफिकेशन, ये सारा मैं आपको ये प्रोसेस देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया गया है, आज ये डेट जारी किया गया है और इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं 25/9/2020 को ये लास्ट जारी किया गया है। और फ्रेंड, इसमें आगे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड वाइज दिया गया है, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं फ्रेशर, ठीक है, ये सिर्फ जो है ना 10th लेवल पे ही इसमें भर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि आप ITI किए हैं तो भी भर सकते हैं और 10th किए हैं फिर भी भर सकते हैं। तो 10th वाले के लिए ये वैकेंसी है और ITI वाले के देख सकते हैं ex-ITI उसके लिए ये वैकेंसी है। तो देख सकते हैं जो इस ट्रेड से रिलेटेड है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिक, पेंटर, वेल्डर, यानी टोटल जो है ITI के लेवल पे यहाँ पे देख सकते हैं 510 दिया गया है और जो 10th लेवल पे बढ़ेंगे उनका 680 टोटल वैकेंसी दिया गया है। और फिर चलिए आगे देखते हैं, फिर इसमें क्या दिया गया है, फ्रेशर यानी ट्रेड, यानी इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है MLT रेडियोग्राफी, ठीक है। अगर इससे अगर आप ITI किए हैं, ठीक है ना, मेडिकल लैब टेक्नीशियन इसका मतलब होता है, अगर आप इससे किए हैं तो आप फ्रेशर हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर ITI किए हैं इससे तो इससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सारा कैटेगरी दिया गया है कि जनरल के लिए कितना सीट है, SC के लिए कितना सीट है। और फिर इसमें आगे जो दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है, दिस नोटिफिकेशन ओनली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें बोलता है कि अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं, ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, तो इसमें आप दावा नहीं कर सकते कि मुझे इसमें जॉब दिया जाए। और फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, जो डिजिबल है उनके लिए भी कुछ दिया गया है, ये देख सकते हैं, अगर वो डिजिबल है यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर उसका कुछ ये ITI फीटर वेल्डर अगर वो किए हुए हैं तो अपना ये देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्या क्या होना चाहिए, सही राइट जो भी हो आप देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और फ्रेंड, आगे जो दिया गया आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन जो दिया गया है, आपका एज जो होना चाहिए 1 अक्टूबर 2020 से पहले आपको 15 से 24 साल आपका होना चाहिए, अगर आप 15 से 24 साल के बीच में नहीं है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। और फ्रेंड, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया, देख सकते हैं SC ST अगर हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगा, अगर आप OBC हैं तो 3 साल की छूट मिलेगा, अगर आप डिजेबल हैं तो 10 साल की छूट मिलेगा। तो फ्रेंड, आगे फिर चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फीटर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक्स यहाँ जो दिया गया है, आपका जो पीरियड ड्यूरिंग जो होने वाला है, यानी आपके कितने साल की ट्रेनिंग होगा, आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, ठीक है, अगर आप ITI किए हैं और 10th किए हैं तो आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। और इसमें आगे जो दिया गया है आप देख सकते हैं, कारपेंटर के लिए भी सेम है और यहाँ पे वेल्डर, पेंटर, ये सभी के लिए सेम है, 1 ईयर का इसमें होने वाला है। और फ्रेशर जो सिर्फ 10th किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर के लिए अलग से दिया गया है, जो 10th किए हैं तो उसका 2 साल का ट्रेनिंग होने वाला है और उसका 10th में जो है मिनिमम 50% उसका होना चाहिए। तो फ्रेंड, इसी तरह से इसमें आगे भी दिया गया, देख सकते हैं फ्रेशर वाले के लिए यहाँ पे वेल्डर, कारपेंटर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, MLT, ये अगर किए हैं MLT के लिए आपको 10+2 होना चाहिए, ठीक है, और इसमें 1 से 3 साल तक आपका होना चाहिए, 1 साल और 3 मंथ का इसमें ट्रेनिंग आपका होने वाला है। और फ्रेंड, आगे इसमें देख सकते हैं सैलरी की जो बात की गई, रेट ऑफ स्टाइपेंड, ठीक है ना, तो आप जो फ्रेशर हैं 10th क्लास से पास किए हैं अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको पर मंथ 6000 यानी 6000 रुपये दिया जाएगा, और अगर आप MLT से कर रहे हैं इसमें फ्रेशर हैं तो आपको 12th पास हैं तो 7000 सैलरी दिया जाएगा, अगर आप ITI किए हैं तो आपको भी 7000 पेमेंट इसमें दिया जाएगा। और फ्रेंड, इसमें दिया गया है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि आपको 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका है यानी आज की डेट में, और 25 तारीख को इसमें लास्ट डेट रखा गया है, और आपको जो है ICF वेबसाइट इस पे जाके आपको ऑनलाइन करना है। और फ्रेंड, आगे इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो दिया गया है, आप देख सकते हैं किसी तरह का आपको अगर प्रॉब्लम हो तो इतना सारा नंबर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसमें आगे जो दिया गया देख सकते हैं मोड ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है ना, आपको जो ये रिजल्ट आएगा वो मेरिट बेसिस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट बेसिस आएगा, अगर आप 10th के बेसिस पे किए हैं तो 10th के बेसिस पे आएगा, 12th किए हैं तो उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, अगर आप ITI किए हैं तो उसके हिसाब से आपका इसमें मेरिट बनेगा, इसी में ये दर्शाया गया है।
और आगे इसमें देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ जो फिटनेस दिया गया है मेडिकल आपका जो होगा वो तो डीबी के बाद होगा। और फ्रेंड इसमें जो आपका आईटीआई जो होगा यहाँ पे दिया गया है द सेलेक्ट आईटीआई एंड नॉन आईटीआई फ्रेश कैंडिडेट वो जो होगा आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत इसमें आपका अप्रेंटिसशिप माना जाएगा। और फ्रेंड आगे देख सकते हैं यहाँ पे अदर कंडीशन भी दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है आप देख सकते हैं आपका जो है 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप होने वाला है। और इसमें दिया गया है नो एम्प्लॉयमेंट इज गारंटेड टू द अप्रेंटिस ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग। आपको ये जो है कंप्लीट तरह से आपको ये एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। इसमें क्या होता कि अगर कोई भी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है उसके बाद वो बोलता है कि मुझे जॉब चाहिए, तो इसमें पहले ही डिक्लेरेशन कर दिया गया है कि आपको बाद में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जॉब। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन लाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।